नमस्कार दोस्तों, डीके 3D होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम डीके लोनकर है और आप जानते ही हैं मैं रोज़ एक नया प्लान लाता हूँ। तो आज हम आपके लिए ये सामने जो स्क्रीन पर देख रहे हैं आप, यह प्लान लाए हैं। इसका प्लॉट का साइज़ देखिए, 25 फीट 4 इंच बाय 39 फीट 6 इंच है। मतलब लगभग 25 बाय 40 का यहाँ पे हमारा प्लान आ रहा है, प्लॉट का साइज़ आ रहा है। उसमें हमने 2 BHK प्लान बिठाया। देखिए, एक बेडरूम है और ये लिविंग रूम है और यहाँ पे किचन है। तो ये देखिए, इसका डायरेक्शन जो है ये ईस्ट फेस है। देखिए यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है, ये ईस्ट फेसिंग है। मतलब ये जो साइड है रोड की, यह ईस्ट साइड है, ठीक है। तो देखिए यह रोड साइड है, ये ईस्ट फेस है। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए रोड से हम ऐसे एंट्री करते हैं तो हमारे पार्किंग एरिया में एंट्री हो रही है। हमारी पार्किंग एरिया देखिए, हम आपको 13 फीट 9 इंच का यहाँ से यहाँ तक पार्किंग का एरिया मिल रहा है। मतलब ये फोर व्हीलर जो बैठेगी यहाँ पे, 13 फीट 9 इंच का यहाँ पे फोर व्हीलर के लिए पार्किंग का एरिया मिल रहा है। और यहाँ से यहाँ तक देखिए 11 फीट 10 इंच का एरिया मिल रहा है आपको, यहाँ से यहाँ तक 11 फीट 10 इंच का, मतलब लगभग 12 फीट का यहाँ पे हमें चौड़ाई मतलब विड्थ मिल रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे हम हमारे पार्किंग के एरिया में आते हैं, तभी हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए यहाँ पे स्टेयर मिल रही है। ये जो स्टेयर्स है देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। अब तो यहाँ से पूरी ऊपर जाएगी लैंडिंग की तरफ और यहाँ पे फिर रिटर्न आके यहाँ पे हमारे पार्किंग के एरिया के पोर्च पे फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएगी, ठीक है। तो मतलब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पे पार्किंग के एरिया में पहुँच रहे हैं। तो हमें देखिए, हमें अंदर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाना है तो हम बाहर से बाहर ही निकल कर यहाँ पे बाहर जा रहे हैं। और ऊपर का फ्लोर देखिए हम रेंट के हिसाब से भी दे सकते हैं, तो रेंट के हिसाब से हम देते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, जो जो भी रेंट पर रहेगी हमारी फैमिली ऊपर, वो यहाँ से जाएगी और यहाँ से ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाएगी। तो हमें कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा, देखिए नीचे की फैमिली को कोई भी डिस्टर्ब नहीं होगा। तो इस टाइप में यह स्टेयर केस एडजस्ट किया है। देखिए इसके बाद में हम यहाँ पे एंट्री करते हैं तो इस ओटे पे आते हैं। देखिए 3 स्टेप दिया है, 3 स्टेप चढ़ के हम ऊपर ओटे पे आ रहे हैं। यहाँ पे हमारा मेन डोर लग रहा है, देखिए लगभग 4 फीट का हमारा मेन डोर आ रहा है। और बाद में हम लिविंग रूम में एंट्री कर रहे हैं तो देखिए लिविंग रूम का साइज़ जो है 11 फीट बाय 12 फीट 5 इंच का है। मतलब लगभग 11 बाय 12.5 का यहाँ पे हमारा लिविंग रूम मिल रहा है। और तो काफ़ी बढ़िया साइज़ है लिविंग रूम की। यहाँ पे देखिए लिविंग रूम को एक बड़ा सा विंडो दिया है जो पार्किंग की तरफ आ रहा है। और इसके बाद में देखिए, इस साइड में हमने कोई भी जगह नहीं छोड़ी है, इसलिए यहाँ पे कोई भी विंडो नहीं दिया है। और क्योंकि इस साइड में देखिए दूसरों का प्लॉट है, तो इस साइड में हम कोई भी विंडो नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद में देखिए लिविंग रूम से हम जैसे ही यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हम बाथरूम और WC के लिए में के एरिया में पहुँच रहे हैं। देखिए बाथरूम का साइज़ है 6 फीट 6 इंच बाय 4 फीट का है और WC का है 3 फीट 8 इंच बाय 3 फीट 3 इंच का। मतलब बाथरूम का जो है 6.5 बाय 4 का साइज़ आ रहा है और WC का जो है लगभग 4 बाय 3/4 का यहाँ पे साइज़ आ रहा है। पीछे देखिए वेंटिलेटर दिया है, क्योंकि यहाँ पे हमने 2 फीट का जगह छोड़ा है, क्योंकि यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे, ये डायरेक्ट ओपन टू स्काई रहेगा। यहाँ पे कोई भी स्लैब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे स्लैब डालते हैं तो हमारा वेंटिलेशन दब सकता है, तो यहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे, ठीक है। तो ये वेंटिलेशन इस साइड में दिया है, ठीक है। तो बाथरूम के एरिया के पास में देखिए, यह 3 फीट 7 इंच का हमें फिर से एक पैसेज मिल रहा है। वो जो पैसेज है जो हमारे सीधा हमारे किचन में एंट्री कर रहे हैं। देखिए किचन में एंट्री करते ही हमारा किचन का साइज़ आपको नज़र आ रहा है, लगभग 10 फीट का साइज़ यहाँ पे यहाँ तक मिल रहा है और 11 फीट का यहाँ से यहाँ तक हमें साइज़ मिल रहा है। और क्रॉस वेंटिलेशन के हिसाब से 2 विंडोज़ हमें मिल रही है। देखिए यहाँ पे एक विंडो दिया है फ्रंट जो स्टेयर किस की तरफ आ रही है, और जो दूसरी विंडो है देखिए हमारे जो ओपन डक्ट है यहाँ पे ओपन छोड़ा है तो इस तरफ आ रही है। मतलब हमारा वेंटिलेशन प्रॉपर रहेगा किचन में, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं, वेंटिलेशन के लिए कोई भी दिक्कत नहीं रहेगी और उजाला भी भरपूर रहेगा। उसके बाद में देखिए यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे हमारे ये एक डोर दिख रहा है और ये एक डोर दिया दिख रहा है। मतलब ये 2 डोर्स जो आ रहे हैं हमारे, ये पूरे हमारे बेडरूम के डोर्स है। तो बेडरूम का डोर ये पहली बेडरूम की तरफ आते हैं। देखिए ये इस बेडरूम का हमारी इस बेडरूम का साइज़ है 10 फीट 6 इंच बाय 12 फीट का है। मतलब लगभग 10.5 बाय 12 का हमारा यह बेडरूम है। और इसके बाजू वाला जो हाँ यहाँ पे जो बेडरूम है, देखिए यहाँ पे हमने विंडोज़ रखा है पीछे वेंटिलेशन के हिसाब से। तो क्योंकि पीछे हमने कुछ 2 फीट का लगभग 1 फीट 6 इंच का देखिए 1.5 फीट का जगह छोड़ा है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे एक विंडोज़ रख रहे हैं। मतलब हमारी बेडरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। उसके बाद में दूसरी जो बेडरूम आ रही है, देखिए इस बेडरूम का एंट्री जो है हमारे लिविंग रूम से ही होता है, क्योंकि यहाँ पे डोर्स एडजस्ट नहीं हो रहे, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। सिंगल फैमिली के हिसाब से ठीक है, यह बेडरूम हमारे चिल्ड्रन बेडरूम भी रख सकते हैं। तो इस बेडरूम का साइज़ हमारा आ रहा है 11 फीट 6 इंच बाय 10 फीट का।
मतलब 11.5 बाय 10 का यहाँ पे हमारा एक छोटा बेडरूम आ रहा है। इसको भी हमने पीछे देखिए वेंटिलेशन के हिसाब से एक विंडो दिया है, क्योंकि 1 फीट 6 इंच का हमने पीछे जगह छोड़ा है। जो 1 फीट 6 इंच का जगह छोड़ी है वहाँ पे हम स्लैब नहीं डालेंगे, क्योंकि स्लैब डालेंगे तो हमारा वेंटिलेशन दब जाएगा। तो इस टाइप में यह हमारा एक सिंपल सा प्लान हमें मिल रहा है। देखिए 25 फीट बाय 40 फीट का है, मतलब लगभग 1000 स्क्वायर फीट का हमारा पूरा प्लॉट का एरिया है। तो 1000 स्क्वायर फीट के एरिया में हमने ये रूम्स एडजस्ट किया है। तो आशा करता हूँ कि आपको यह प्लान समझ में आया है और पसंद भी आया है। अगर आपको यह प्लान पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और हमारे हर वीडियो चेक कीजिए, क्योंकि हर वीडियो में हमने कुछ ना कुछ बहुत सारे प्लान्स हमने अपलोड किए हैं अभी तक। हो सकता है आपके सपनों का प्लान यहाँ पे ऑलरेडी हमने डाल रखा है और अभी तक आपको प्लान, आपके सपनों का प्लान नहीं मिला है, तो प्लीज़ कुछ दिन इंतज़ार कीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ यहाँ पे प्लान अपलोड, नए नए प्लान्स अपलोड कर रहे हैं। तो किसी न किसी दिन आपका भी प्लान यहाँ पे आने वाला है। और अगर आप पहली बार हमारा चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमसे हमेशा के लिए जुड़ जाए। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।